हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो वेलकम बैक टू गोवा व्लॉग्स, बिकॉज अभी मैं गोवा में हूँ, एज यू नो, एक व्लॉग पहले वाले से। और दिस इज़ डे वन इन गोवा। डे वन तो क्या, शाम ही हो गई है, बट हाँ, अभी हम जा रहे हैं क्रूज़ पे। एंड हम मतलब जो मैंने लास्ट व्लॉग एंड किया उसके बाद हमने बस लंच किया था और मैं उसके बाद सो गई थी क्योंकि हम पूरी रात नहीं सोए थे। सो यप, एंड लुक एट द मौसम, जो बारिश हो रही है यहाँ पर, भाई मज़ा आ रहा है, तो अच्छा नज़ारे हैं। एंड या और बाकी अभी तैयार होना है, सो मैं सभी तैयार होने में ऑलरेडी लेट हूँ, मेरे बाल भी गीले हैं, पर बारिश तो बारिश है ना, बहुत मज़ा आ रहा है। ये मेरे रूम से बाहर वाली जगह है गाइस, लुक एट दिस गाइस, इतनी हवा चल रही है और इतनी ग्रीनरी है और बारिश भी, बहुत अच्छा मौसम है यार, मज़ा ही आ गया। चलो अब फटफट तैयार होते हैं। Guys, I am ready, पर मैं फिट चेक नहीं दे पाई बिकॉज आई एम लेट एज यूजुअल। माई बैग फट गया, एक्सक्यूज मी प्लीज। लाइटिंग तो है नहीं, पर कोई नहीं, चलो पापा बाहर आ जाओ। हाँ, लाइटिंग नहीं है। इज माई आउटफिट, टॉप एंड स्कर्ट एंड शूज एंड बैग। ऑन टाइम तो मैंने कभी नहीं हो सकती, पर कोई नहीं, लेट्स गो टू क्रूज। अब हम क्रूज पे जा रहे हैं ऑन द वे, और यहाँ पे बहुत बढ़िया मौसम हो रहा है बाहर और इतनी ज्यादा ग्रीनरी है, गोवा पूरा ही बहुत सुंदर है, रास्ते भी। गाइस, हम पानी तक तो पहुंच गए, बाकी इनमें से कोई क्रूज है हमारा भी। गाइस, हमारा वाला आ गया कैसीनो क्रूज। अब हम एंटर कर रहे हैं और यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, लेट्स गो इनसाइड। Guys, I am under 21. पास दिखाइयो अपना, ये भी नहीं मिला मुझे। I can't actually go to the casino. दुख। चलो बोट में। So this is the waiting area. This is the boat. चुप रह तू। ओह। गाइज, अभी हम फीडर बोट में बैठे हैं जो अभी हम क्रूज तक लेके जा रही है, और ये सामने और भी बहुत सारे क्रूज हैं, लेकिन हमारा है डेल्टन रॉयल कैसीनो क्रूज, तो वो अभी थोड़ा सा आगे है पानी में। और ये आ गया हमारा क्रूज डेल्टन रॉयल, बहुत सुंदर लग रहा है यार, बहुत लाइटिंग और पानी में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। अरे हाय कर दो यार, वीडियो में कोई हाय नहीं करता है। ये वाला है कैसीनो एरिया। सो गाइस, अभी मैं तो अंडर 21 हूँ, तो बाकी के सब गए हुए हैं अंदर वो खेलने। मम्मा रुकी है मेरे साथ। सो इट्स ओके, सो दिस इज एक्चुअली डेल्टन रॉयल क्रूज, जो लार्जेस्ट एशियाज लार्जेस्ट कैसीनो क्रूज है ऑफ शोर। एंड मैं कैसीनो में नहीं जा पा, कुछ खेलना तो नहीं था, बट अंदर बहुत सुंदर है।
So I'm waiting for everybody. Guys, अब हम आ गए लेवल 2 पर, जो है ये वाला विस्की लॉन्च एंड हाँ रेस्टोरेंट. ठीक है, यहाँ हम नहीं जाएंगे, हम यहाँ जाएंगे. और एंटर होते ही सबसे पहले है बार. यहाँ पर कॉकटेल्स एंड मॉकटेल्स दोनों ड्रिंक्स मिल रही हैं. चलो पहले तो हम अंदर चलते हैं, रेस्टोरेंट देखते हैं कैसा है. चलो लेट्स सी खाने में क्या है. सबसे पहले तो यहाँ पर मुंबई स्टॉल लगा हुआ है एंड यहाँ पर पानी पूरी, पाव भाजी, पापड़ी चाट और भी काफ़ी मुंबई की फेमस डिशेस मिल रही थी. चलो अब हम यहाँ आ गए. यहाँ पर है आइसक्रीम, पेस्ट्रीज एंड पहले तो स्वीट डिशेस हैं सारी. एंड लेट्स गो आगे. थोड़ा सा यहाँ पे पास्ता है एंड अब यहाँ से पूरा मेन कोर्स है. इधर काफ़ी ज़्यादा वैरायटीज थी खाने में, मैंने ये खाया. सो गाइस, वहाँ पे बारिश बहुत तेज होने लग गई थी, इस वजह से स्काई बार बंद था और इसीलिए सारी डांस परफॉर्मेंसेज वगैरह सब यही रेस्टोरेंट में हो रही थी. एंड मैंने यहाँ की म्यूजिक निकाला है बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट. तो आप लोग कमेंट्स में गेस करो और बताओ ये कौन सा गाना है. वैसे तो बहुत ही ईजी है गेस करना, बट लेट्स सी. एंड सारी परफॉर्मेंसेज हुई थी यहाँ पे काफ़ी, एंड इंटरनेशनल भी एंड बॉलीवुड भी, और मैजिशियन शो भी हुआ था. एंड नाउ हेयर कम्स द इंटरनेशनल परफॉर्मेंस. एंड ये अपने इतने बड़े बड़े पंखे लेके आ गई थी डांस करने. बहुत रश भी हो गया था वहाँ पर इस टाइम तक, और डांस वगैरह भी बहुत अच्छे थे. अब ये रेडी हो रही है मेरी और भाभी की स्ट्रॉबेरी मॉकटेल. दिखने में तो बहुत टेस्टी लग रही है. नाउ लेट्स सी कि ये टेस्ट कैसी करती है. ड्रिंक आ जाओ. चीयर्स. और फिर वापस से हुआ बॉलीवुड डांस एंड दिस टाइम इट वॉज ट्रेडिशनल डांस. एंड ये भी सॉन्ग आप लोग कमेंट्स में गेस करो. लेट्स सी आप लोग गेस कर पाते हो या नहीं. गाइस अब लेके आई अपने ड्रिंक. भाभी के साथ तो मैंने पी भी. एंड फिर ये थी लास्ट परफॉर्मेंस, जो कि अगेन इंटरनेशनल परफॉर्मेंस थी. एंड इसके बाद फिर लाइव सिंगिंग पूरा वो स्टार्ट हो गया था. वी आर बैक गाइस फ्रॉम द क्रूज. बहुत थक गए अब तो, थोड़ी थोड़ी तो शक्ल दिखी जाएगी. अब हम वापस 2 घंटे लगा के रिसोर्ट में जाएंगे बस से. फाइनली हम रिसोर्ट में पहुंच गए एंड काफ़ी लेट हो गया था इसलिए लाइट्स वगैरह बंद थी बार में, और यहीं से अब हम अपने रूम में जा रहे हैं. यार कितनी भी थकी हूँ मैं, पर ये रास्ते पे वीडियो तो मैं ज़रूर बनाती हूँ गाइस, क्योंकि ये बहुत सुंदर रास्ता है. जब जब निकल रही हूँ मैं, इट्स अनदर लेवल ऑफ ब्यूटी. हम थक के वापस आ चुके हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 12:30, और ये रात को भी उतना ही ब्यूटीफुल लग रही है जगह जितनी दिन में लगती है.
चलो लेट्स गो टू द रूम। गाइज हम अपने रूम में आ गए हैं और अभी मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मैं सोने जा रही हूँ। ये था आज का व्लॉग, हम जब गए थे क्रूज का टूर, कल सुबह हम फिर कहीं जा रहे हैं, सो सी यू देन। हाँ यार, इसका अलग ही दुख है मुझे, पर कोई बात नहीं, सी यू टुमारो एंड देन टेक केयर एंड एंजॉय। एंड कल हम जा रहे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एंड ऑल्सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, ऑल्सो विद द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। और अब मैं बहुत ज़्यादा नींद हूँ तो मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट, टेक केयर, बाय।